दुनिया के कई सारे देशों ने चाइना के ताइवान को घेरकर उसके चारों तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज करने के ऊपर आपत्ति जताई है। कई सारे देशों ने तो अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है, लेकिन भारत अभी तक इस मसले के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट देने से बच रहा है। जबकि एक बात तो एकदम क्लियर है कि जिस तरह आज की डेट में ताइवान चाइना के एग्रेशन को झेल रहा है, सेम एग्रेशन चाइना भारत के खिलाफ भी दिखाता है। फिर चाहे भारत के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करनी हो, हेलीपैड्स, एयर स्ट्रिप्स या रोड नेटवर्क के साथ साथ बॉर्डर एरियाज में वहाँ पर नए विलेजेस बनाने हो, हद तो तब पार हो गई जब चाइना ने अपने स्पेस एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप युआन वैंग 5 रिसर्च वेसल को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर भेजने का फैसला किया। चाइना के रिसर्च वेसल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक को ट्रैक और ट्रेस करने में सक्षम है, इसलिए हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर इसका एक हफ्ते तक रुकना भारत के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं था। हालांकि भारत ने श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाकर ये पोर्ट कॉल फिलहाल के लिए रोक दी है, लेकिन इस मसले पर भी भारत के विदेश मंत्रालय ने चाइना को डायरेक्ट रूप से अभी तक कुछ नहीं बोला है। चाइना के साथ हमारी 3400 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, ऐसे में हमें चाइना के साथ बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ता है। युद्ध से किसी भी देश का भला नहीं होता है और भारत की अर्थव्यवस्था ने तो अभी आर्थिक रफ्तार पकड़ी है, ऐसे में हम इस समय चाइना के साथ किसी युद्ध में नहीं कूद सकते हैं। हमें पहले अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा और जीडीपी को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चाइना सामने से कुछ भी करते रहे और भारत हमेशा चुपचाप बैठेगा। ताइवान के ऊपर बेशक भारत का रिएक्शन ना आया हो, लेकिन अगर चाइना भारत की बाउंड्री की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो भारत सरकार उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इस बार तो भारत सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जो सीधा सीधा तिब्बत कम्युनिटी के ऊपर असर डालेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान विजिट के बाद भारत ने भी चाइना को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। भारत ने दलाई लामा की लद्दाख विजिट के लिए एक मिलिट्री चॉपर डिप्लॉय कर दिया है। आपको याद होगा हाल ही में भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दलाई लामा के 87th बर्थडे के ऊपर उनको स्पेशली कॉल करके उनको विश किया था। चाइना ने इसके ऊपर भी भारत का कड़ा विरोध करते हुए बोला था कि इंडिया को समझना चाहिए कि दलाई लामा एक सेपरेटिस्ट नेचर वाले एंटी चाइना स्पिरिचुअल लीडर हैं, इसलिए तिब्बत से संबंधित मसलों का इस्तेमाल करके भारत को चाइना के इंटरनल मैटर्स में बिल्कुल भी दखल नहीं देनी चाहिए। आप सोचिए कि तो बस एक बर्थडे विश के ऊपर चाइना के विदेश मंत्रालय की इतनी सख्त टिप्पणी आई थी, मगर इस बार तो भारतीय सरकार ने एक कदम और बढ़ाकर दलाई लामा के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप उठा लिया है। दरअसल 14वें दलाई लामा इस समय लद्दाख की विजिट पर हैं। इस विजिट के दौरान उनको लिंगशेड के पास एक बेहद दूरदराज के गांव में स्थित 15वीं शताब्दी की एक मॉनेस्ट्री में जाना था। ऐसे में भारत सरकार ने दलाई लामा के लिए इंडियन एयरफोर्स के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय करने का फैसला किया। हालांकि दलाई लामा की ये एक तरह से रिलीजियस विजिट थी जो तिब्बत समुदाय के लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी और उनके लिए काफी मायने भी रखती थी। भारतीय सरकार चाहे तो एक सिविलियन चॉपर भी डिप्लॉय कर सकती थी, लेकिन फिर भी जानबूझकर इंडियन एयरफोर्स के एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दलाई लामा को एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर रिसीव करने के लिए एयर कमांडर पीके श्रीवास्तव, ले एयरफोर्स स्टेशन के एयर ऑफिसर कमांडिंग खुद वहां पर मौजूद थे। भारत सरकार ने न सिर्फ उनकी विजिट के लिए एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया, बल्कि चाइना को एक सख्त और साफ संदेश देने के लिए इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स, ऑफिसर्स और ग्राउंड स्टाफ के साथ खींची गई एक पिक्चर को भी रिलीज किया और बोला कि दलाई लामा ने इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को ब्लेसिंग भी दी। अब ये भारत सरकार का चाइना के खिलाफ बहुत ही बड़ा मूव माना जा रहा है, क्योंकि दलाई लामा हमेशा ही तिब्बत को चाइना से आजाद करवाने की वकालत करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ये एक बोल्ड स्टेप था, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।